मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे आई विल टीच यू यूनिट 15 ऑपरेशन इन मैट्रिक्स सिस्टम। मैं आज आपको यूनिट 15 पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि ऑपरेशन इन मैट्रिक्स सिस्टम, यानी कि मैट्रिक्स सिस्टम में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। मैट्रिक्स सिस्टम का मतलब होता है कि चीज़ों को नापने तोलने वाला जो सिस्टम होता है वो होता है मैट्रिक्स सिस्टम। जैसे कि हम किसी भी चीज़ का जो वेट है, वजन है, वो नापते हैं किलोग्राम में। हम किसी चीज़ की लेंथ जो नापते हैं मीटर या किलोमीटर में। तो इस तरह से मैट्रिक्स सिस्टम में किलोग्राम में, मीटर में, इसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है वो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 83, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 8। 15 मीटर प्लस 12 मीटर 6 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे हमें दो कॉलम दिए हुए हैं, मीटर और सेंटीमीटर, तो हम दो कॉलम बना लेंगे, मीटर एंड सेंटीमीटर। मीटर में हमें यहाँ दिया हुआ है 15, तो हम यहाँ 15 लिख देंगे। बट यहाँ मीटर के साथ सेंटीमीटर में कुछ भी नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। इधर मीटर में है 12, तो हम 12 लिख देंगे। इधर है 6, तो हम यहाँ 6 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ कुछ भी नहीं है, तो हम 6 के साथ 0 पुट कर सकते हैं। अब हम इनको प्लस कर लेंगे, 6 5 2 7 1 1 2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 27 मीटर 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर। अब हम एक तरफ लिखेंगे सेंटीमीटर और एक तरफ लिखेंगे मिलीमीटर। सेंटीमीटर में हमें यहाँ दिया हुआ है 5 और यहाँ भी दिया हुआ है 5। इधर दिया हुआ है 2, इधर दिया हुआ है 9। इसको प्लस कर लेंगे, 5 9 14 का 4 कैरी किया 1, 5 2 7 1 8, तो क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट में एक तरफ लिखेंगे मीटर और एक तरफ लिखेंगे सेंटीमीटर। मीटर में हम यहाँ लिखेंगे 10, सेंटीमीटर में यहाँ कुछ नहीं दिया, तो हम यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ लिखेंगे 40। अब हम यहाँ, इधर सेंटीमीटर में कुछ भी नहीं है, यहाँ नीचे दो डिजिट है, तो हम ऊपर 2 0 पुट कर देंगे। हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। इधर से इधर बोरो करेंगे 10 10, में से 4 गया 6, यहाँ हो जाएगा 9 9, में से 5 गया 4, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 मीटर 60 सेंटीमीटर। एक तरफ सेंटीमीटर लिखेंगे और एक तरफ मिलीमीटर लिखेंगे, 6 and 7 1 and 9। इधर 6 है तो इधर 6, इधर 7 है तो 7, इधर 1 है तो 1, इधर है 9 है तो 9। अब इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर 7 से क्या हो जाएगा, बोरो करेंगे तो 17 17, में से 9 गया 1 सॉरी 8, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 1 गया 4, तो आंसर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एट ऑटो इज ट्रेवल 3 मीटर 62 सेंटीमीटर ऑन वन डे एंड 1 मीटर 83 सेंटीमीटर ऑन द सेकेंड डे। हाउ फार हैड द टोटो इज ट्रेवल्ड इन ऑल। एक टोटो इज फर्स्ट डे कितना चला, 3 मीटर 62 सेंटीमीटर, और सेकेंड डे कितना चला, 1 मीटर 83 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि टोटो इज टोटल कितना ट्रेवल किया। हमें दो यूनिट दी हुई है, पहले हम दो कॉलम बना लेते हैं, मीटर एंड सेंटीमीटर। फर्स्ट डे कितना चला टोटो इज 3 मीटर, मीटर में कितना लिखेंगे हम 3 एंड सेंटीमीटर में 62। सेकेंड डे कितना चला है वो 1 मीटर, मीटर में लिखेंगे 1 एंड इधर लिखेंगे 83। दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, 2 3 5 6 8 14 का 4 कैरी किया 1 5, यानी कि टोटल इसने ट्रेवल कितना किया, टोटल 5 मीटर 45 सेंटीमीटर। अभी अबाउट बनानास 4 रुपीज़ 12.25, एप्पल्स 4 रुपीज़ 25.5 एंड वेजिटेबल 4 रुपीज़ 28.75। वॉट इज हिज टोटल एक्सपेंडिचर। इफ ही पेज 100 रुपीज़ टू द शॉपकीपर, वॉट अमाउंट विल ही गेट बैक। अब मैंने जो है बनाना खरीदे कितने रुपए के, 12 रुपीज़ 25 पैसे के। एप्पल खरीदे 25 रुपीज़ 50 पैसे के और वेजिटेबल खरीदे 28 रुपीज़ 75 पैसे के। अब आपको बताना है कि उसका टोटल खर्च
कितना है। अगर वो शॉपकीपर को 100 रुपीज़ देता है तो उसे वापस कितने पैसे मिलेंगे। इस क्वेश्चन में हमें दिया ये सब एक दिया हुआ है कि उसने कितने का क्या क्या ख़रीदा है और हमें बताना है उसका टोटल एक्सपेंडिचर क्या है। तो पहले हम लिखेंगे कि उसने क्या क्या ख़रीदा है। उसने ख़रीदे हैं अबाउट बनानास फॉर रुपीज़ 12.25, देन एप्पल्स रुपीज़ 25.50 एंड वेजिटेबल्स 28.75। टोटल एक्सपेंडिचर इन तीनों को प्लस कर देंगे 5 5 10 3 5 8 7 15 5 कैरी कॉस्ट टू 1 3 5 8 8 8 16 कैरी किया 1 1 1 2 2 2 4 6 66 रुपीज़ 50 पैसे या फिर हम लिखेंगे इसको रुपीज़ 66.5। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है। अब हमें बताना है कि अगर उसने दुकानदार को 100 का नोट दिया तो वो दुकानदार उसको वापस कितने पैसे देंगे। तो देखो टोटल उसने इतनी सब्जियां खरीद ली है, अब तो हम क्या करेंगे 100 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसका इतना एक्सपेंडिचर हुआ है। तो 100 में से इसको सब्ट्रैक्ट पता चल जाएगा कि दुकानदार ने उसको कितने पैसे दिए हैं। नेक्स्ट हम लिखेंगे ही विल गेट बैक हंड्रेड में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 66.50 देन 0.6650 इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 10 में से 5 गए 5 9 में से 6 गए 3 9 में से 6 गए 3 तो हमारा आंसर क्या होगा रुपीज़ 33.50 या 33 रुपीज़ 50 पैसे उसके पास वापस बच जाएंगे।